तुम जुम्मा जुम्मा 8 दिन की पैदावार, तुम्हें पता क्या है? मैं सब जानती हूँ बाबा, मेरी उम्र 20 साल है। मैं आपकी उंगली पकड़कर चलने वाली बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आपके इस मज़हब की वजह से हमारे ख़ानदान पर बड़ी बरकात नाजिल की गई है। वो बड़ी मुस्तहकम और हमवार अंदाज में कहती गई, तुम बख्शी नहीं जाओगी। तुम्हारी, हाशिम मुबीन गुस्से के आलम में उंगली उठाकर बोलने लगे। इमामा को इन पर तरस आने लगा। इसे दोजख में खड़े होकर दोजख से डराने वाले शख्स पर तरस आ रहा था। इसे आंखों पर पट्टी बांधकर फिरने वाले शख्स पर रहम आ रहा था। मोहर शुदा दिल वाले आदमी पर रहम आ रहा था। इसे नफ्स ज़दा आदमी पर रहम आ रहा था और इसे गुमराही की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़े हुए आदमी पर रहम आ रहा था। तुम गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी हो, चंद किताबें पढ़कर तुम, इमामा ने उनकी बात काट दी। आप इस बारे में मुझसे बहस नहीं कर सकेंगे। मैं सब कुछ जानती हूँ, तहकीक कर चुकी हूँ, तस्दीक कर चुकी हूँ। आप मुझे क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? आपने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया है, मैंने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया। आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं और मैं वो कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। आपका अकीदा आपका ज़ाती मसला है, मेरा अकीदा मेरा ज़ाती मसला है। क्या अब ये बेहतर नहीं है कि आप मेरे इस फैसले को कबूल कर लें? जज्बाती हमाकत की बजाय बहुत सोच समझकर उठाया जाने वाला कदम समझकर। इसने बड़ी रसानियत और संजीदगी से साथ कहा। हाशिम मुबीन की नाराज़गी में और इजाफा हो गया। मैं अपनी बेटी को मज़हब बदलने दूँ ताकि पूरी कम्युनिटी मेरा बायकॉट कर दे? मैं फुटपाथ पर आ जाऊँ? नहीं मामा, ये तो नहीं हो सकता। तुम्हारा अगर दिमाग भी ख़राब हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा दिमाग भी ख़राब हो जाए। कोई भी मज़हब इख्तियार करो मगर तुम्हारी शादी मैं असजद से ही करूँगा। तुम्हें उसी के घर जाना होगा। उसके घर चली जाओ और फिर वहाँ जाकर तय करना कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है तुम्हें अक्ल आ जाए। वो गुस्से के आलम में कमरे से निकल गए। मुझे पता होता कि तुम्हारी वजह से हमें इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा तो मैं पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देती। हाशिम मुबीन के जाते ही सलमा ने खड़े होते हुए दांत पीस कर कहा, तुमने हमारी इज्जत खाक में मिलाने का तहिया कर लिया है। इमामा कुछ कहने की बजाय खामोशी से उन्हें देखती रही। वो कुछ देर इस तरह ही बोलती रही, फिर कमरे से चली गई। इन्हें उसके कमरे से गए 1 घंटा ही हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक देकर असजद अंदर दाखिल हुआ। इमामा को उसके इस वक्त यहाँ आने की तवक्को नहीं थी। असजद के चेहरे पर परेशानी बहुत नुमाया। यकीनन उसे हाशिम मुबीन ने बुलवाया था और वो सब कुछ बता चुके थे। ये सब क्या हो रहा है इमामा, उसने अंदर दाखिल होते ही कहा और वो अपने बेड पर बैठी उसे देखती रही। तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? असजद, तुम्हें अगर ये बताया गया है कि मैं क्या कर रही हूँ तो फिर ये भी बता दिया होगा कि मैं क्यों कर रही हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। मुझे अंदाजा है। इस उम्र में इंसान जज्बात में आकर बहुत से गलत फैसले कर लेता है। अंकल ठीक कह रहे थे, किसी ने वाकई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। फिर तुम एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? बेहतर है तुम किसी और से शादी कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। वो उसकी इस बात पर अजीब से अंदाज में हंसी। ज़िंदगी बर्बाद? कौन सी ज़िंदगी? ये ज़िंदगी जो मैं तुम जैसे लोगों के साथ गुजार रही हूँ, जिन्होंने पैसे के लिए अपने मज़हब को छोड़ दिया। बिहेव योर सेल्फ, तुम बात करने के तमाम मैनर्स भूल गई हो। किसके लिए क्या बात कर रही हो?
और क्या नहीं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? तुमने सिरे से ही फरामोश कर दिया है। मैं ऐसे किसी शख्स का एहतराम नहीं कर सकती जो लोगों को गुमराह कर रहा हो, इमामा ने दो टोक अंदाज में कह दिया। जिस उम्र में तुम हो, इस उम्र में हर कोई इस तरह कंफ्यूज हो जाता है जिस तरह तुम कंफ्यूज हो रही हो। जब तुम इस उम्र से निकलोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि हम लोग सही थे या गलत। असजद ने एक बार उसे फिर समझाने की कोशिश की। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं गलत हूं, तब भी तुम लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? इस तरह मुझे घर में कैद करके क्यों रखा हुआ है? अगर तुम लोगों को अपने मजहब की सदाकत पर इतना यकीन है तो मुझे इस घर से चले जाने दो, हकीकत को जांचने दो। अगर कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर तुल जाए तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, वो भी एक लड़की को। इमामा, तुम इस मसले की नजाकत और अहमियत को समझो, अपनी फैमिली का ख्याल करो। तुम्हारी वजह से सब कुछ दाव पर लग गया है। मेरी वजह से कुछ भी दाव पर नहीं लगा, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ दाव पर लगा भी है तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मैं तुम लोगों के लिए दोजख में क्यों जाऊं सिर्फ खानदान के नाम की खातिर? अपना ईमान क्यों गवाऊं? नहीं असजद, मैं तुम लोगों के साथ गुमराही के इस रास्ते पर नहीं चल सकती। मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहती हूं, उसने कतई लहजे में कह दिया। मुझसे अगर तुमने जबरदस्ती शादी कर भी ली तो भी तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी, मैं तुमसे वफा नहीं करूंगी। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं भाग जाऊंगी। तुम आखिर कितने साल मुझे इस तरह कैद करके रख सकोगे? कितने साल? और कब तक मुझ पर पहरे बिठाओगे? मुझे सिर्फ चंद लम्हे चाहिए होंगे तुम्हारे घर तुम्हारी कैद से भाग जाने के लिए, और मैं तुम्हारे बच्चों को भी साथ ले जाऊंगी। तुम सारी उम्र उन्हें दोबारा देख नहीं सकोगे। वो इसे मुस्तकबिल का नक्शा दिखाकर खौफजदा करने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं कभी इमामा हाशिम जैसी लड़की से शादी ना करूं, ये सरासर खसारे का सौदा होगा, हमाकत और बेवकूफी की इंतहा होगी। तुम अब भी सोच लो, अब भी पीछे हट जाओ। तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। तुम किसी भी लड़की के साथ शादी करके पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हो, किसी परेशानी किसी बेसुकूनी के बगैर, अगर मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हारे लिए बदतरीन बीवी साबित होंगी। तुम इस सारे मामले से अलग हो जाओ, शादी से इनकार कर दो, अंकल आजम से कह दो कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते, या कुछ अरसे के लिए घर से गायब हो जाओ। जब तमाम मामला खत्म हो जाए तो फिर आ जाना। तुम मुझे तो इस तरह के अहमकाना मशवरे मत दो, मैं किसी भी कीमत पर तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर। ना मैं इनकार करूंगा और ना इस मामले से अलग होऊंगा, ना ही घर से कहीं जाऊंगा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इमामा, अब यह हमारे खानदान की इज्जत और साख का मामला है। ये शादी ना होने और तुम्हारे घर से चले जाने से हमारे पूरे खानदान को जितना नुकसान उठाना पड़ेगा इसका तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं, वरना तुम मुझे कभी ये मशवरा ना देती। जहां तक बुरी बीवी साबित होने का या घर से भाग जाने का ताल्लुक है तो ये सब बात का मसला है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तुम इस तरह के टेम्परमेंट की लड़की नहीं हो कि दूसरों को बेजा परेशान करती रहो, और वो भी मुझे जिससे तुम्हें मोहब्बत है। असजद बड़े इत्मीनान से कह रहा था, तुम्हें गलत फहमी है, मुझे कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं रही, कभी भी। मैं जहनी तौर पर तुम्हारे साथ अपना ताल्लुक़
और रिश्ते को इस वक्त से जहन से निकाल चुकी हूँ जब मैंने अपना मज़हब छोड़ा था। तुम मेरी ज़िंदगी में अब कहीं भी नहीं हो, कहीं भी नहीं हो, समझ रहे हो? अगर मैं अपने घर वालों के लिए मसाइल खड़े कर सकती हूँ तो कल तुम्हारे लिए कितने मसाइल खड़े करूँगी। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए और इस गलत फहमी से बाहर निकल आओ। हम दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं तुम लोगों के ख़ानदान का कभी हिस्सा नहीं बनूंगी। नहीं असद, तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत फासला है, इतना फासला कि मैं तुम्हें देख तक नहीं सकती, और मैं इस फासले को कभी ख़त्म नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगी। असद बदलती हुई रंगत के साथ उसका चेहरा देखता रहा। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तक मैं इसके अलावा क्या कर रहा हूं? सलार ने पूछा। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने कहा, क्या तुम लाहौर जाकर जलाल से मिल सकते हो? सलार ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की। किस लिए? उसे इमामा की आवाज बहुत भारी लग रही थी, यूं जैसे उसे फ्लू था। फिर अचानक उसको ख्याल आया कि वो यकीनन रोती रही होगी, ये उसी का असर था। तुम मेरी तरफ से उसको रिक्वेस्ट करो कि वो मुझसे शादी कर ले, हमेशा के लिए नहीं तो कुछ दिनों के लिए ही। मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ और मैं किसी की मदद के बगैर यहाँ से नहीं निकल सकती। बस वो मुझसे निकाह कर ले। तुम्हारा तो उससे फ़ोन पर रابطہ है ना, तो फिर तुम ये सब उसे खुद क्यों नहीं फ़ोन पे कहती? सलार ने चिप्स खाते हुए बड़े इत्मीनान से उसे मशवरा दिया। मैं कह चुकी हूँ। फिर? उसने इनकार कर दिया है। ओह, वेरी सैड। तो ये वन साइडेड लव अफेयर था? उसने कुछ तजस्सुस के आलम में पूछा। नहीं। तो फिर उसने इनकार क्यों कर दिया? तुम ये जानकर क्या करोगे? मेरे वहां जाकर उससे बात करने से क्या होगा, बेहतर है तुम ही उससे दोबारा बात कर लो। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो फोन नहीं उठा रहा, हॉस्पिटल में भी कोई उसे फोन पर नहीं बुला रहा, जैसे वो जानबूझकर कतरा रहा हो। तो फिर तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? जाने दो उसे, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकते, तुम सिर्फ मेरी मदद करो। एक बार जाकर उसे मेरी सूरत हाल के बारे में बताना, वो मुझसे इस तरह नहीं कर सकता। और अगर उसने मुझसे बात करने के बाद इनकार कर दिया तो? फिर भी तुम उससे बात करना, शायद कोई सूरत हाल निकल आए, मेरा मसला हल हो जाए। सलार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई, उसे इमामा के हाल पर हंसी आ रही थी। फोन बंद करने के बाद चिप्स खाते हुए वो दोबारा इस सारे मामले के बारे में सोचने लगा। हर गुजरते दिन के साथ वो इस सारे मामले में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा था। ये उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर महसूस हो रहा था। पहले इमामा तक फोन पहुंचाना, अब जलाल से रابطہ, इमामा का बॉयफ्रेंड। उसने चिप्स खाते हुए जेरे लब दोहराया। इमामा ने उसे उसके हॉस्पिटल और घर के तमाम कवायफ से आगाह कर दिया, और अब वो सोच रहा था कि उसे जलाल अंसर से मिलकर क्या कहना है। सलार ने उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा और वो खासा मायूस हुआ। सामने खड़ा लड़का बड़ी ही आम सी शक्लो सूरत का था।
सलार के लंबे कद और खूबसूरत जिस्म ने उसे सिनफ़े मुखालिफ के लिए किस हद तक पुरकशिश बना दिया था, मगर सामने खड़ा वो शख्स इन दोनों चीज़ों से महरूम था। वो नॉर्मल कदो कामत का मालिक था, उसके चेहरे पर दाढ़ी ना होती तो वो फिर भी कदरे बेहतर नज़र आता। सलार सिकंदर को जलाल अंसर से मिलकर मायूसी हुई। इमामा अब से पहले से ज़्यादा बेवकूफ़ लगी। मैं जलाल अंसर हूँ, आप मिलना चाहते थे मुझसे? मेरा नाम सलार सिकंदर है। सलार ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहचाना नहीं। जाहिर है, आप पहचान भी कैसे सकते हैं, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। सलार इस वक्त जलाल के हॉस्पिटल में उसे ढूंढते हुए आया। चंद लोगों से उसके बारे में दरियाफ्त करने पर वो उसके पास पहुंच गया। इस वक्त वो ड्यूटी रूम के बाहर खड़ा था। कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? जलाल अब कुछ हैरान नजर आया। बैठकर बात, मगर किस सिलसिले में? इमामा के सिलसिले में। जलाल के चेहरे का रंग बदल गया। आप कौन हैं? मैं उसका दोस्त हूं। जलाल के चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया और वो चुपचाप एक तरफ चलने लगा। पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है, वहां चलते हैं। और गाड़ी तक पहुंचने और उसके अंदर बैठने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। इमामा चाहती थी कि मैं आपसे बात करूँ। इमामा ने कभी मुझसे आपका जिक्र नहीं किया। आप इमामा को कब से जानते हैं? तकरीबन बचपन से। हम दोनों के घर साथ साथ हैं। बड़ी गहरी दोस्ती है हमारी। सलार नहीं जानता उसने आखिरी जुमला क्यों कहा। शायद ये जलाल के चेहरे के बदलते हुए रंग थे जिनसे वो कुछ और महसूस होना चाहता था। जलाल के चेहरे पर नमूदार होने वाली नापसंदीदगी देख चुका था। इमामा से मेरी बहुत तफसीली बात हो चुकी है, इतनी तफसीली बात कि और क्या बात हो सकती है। इमामा चाहती है कि आप उससे शादी कर लें। सलार ने जैसे न्यूज़ बुलेटिन पढ़ते हुए कहा। मैं अपना जवाब उसे बता चुका हूँ। वो चाहती है आप अपने फैसले पर नजर सानी करें। ये मुमकिन नहीं है। वो उस घर में अपने वालदैन और घर वालों की कैद में है। वो चाहती है कि आप अगर हमेशा के लिए नहीं तो वक्ती तौर पर उससे निकाह करें। ये मुमकिन नहीं है। वो उनकी कैद में है तो निकाह हो ही कैसे सकता है? फोन पर? नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैं ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता। मेरे वालदैन मुझे उस शादी की इजाजत नहीं देंगे और फिर वो इमामा को कबूल करने पर तैयार भी नहीं है। जलाल की नजरें अब सलार के बालों की पोनी पर जमी हुई थी। यकीनन सलार की तरह उसने भी उसे नापसंदीदा करार दे दिया होगा। उसने कहा कि आप वक्ती तौर पर उससे सिर्फ निकाह कर लें ताकि वो अपने घर से निकल सके, बाद में आप चाहें तो उसे तलाक दे दें। मैंने कहा ना, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। और फिर इस तरह के मामलात, आप खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर वक्ती शादी की बात है तो आप कर ले, आप तो उसके दोस्त हैं। जलाल ने कुछ चुपते हुए अंदाज में सलार से कहा। आप इस्लामाबाद से लाहौर उसकी मदद के लिए आ सकते हैं तो फिर ये काम भी कर सकते हैं। उसने मुझसे शादी का नहीं कहा, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा। सलार ने कंधे झुकते हुए बेतासुर लहजे में कह दिया। वैसे भी वो आपसे मोहब्बत करती है, मुझसे नहीं।
मगर आरजी शादी या निकाह में तो मोहब्बत का होना ज़रूरी नहीं। बाद में आप भी उसे तलाक दे दें। जलाल ने जैसे मसले का हल निकाल लिया हो। ठीक है, आपका मशवरा मैं उसे पहुंचा दूंगा, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर इमामा से कहें कि कोई दूसरा और तरीका अपनाएं, बल्कि आप किसी न्यूज़पेपर के ऑफिस चले जाएं और उन्हें इमामा के बारे में बताएं कि किस तरह उसके ख़ानदान ने उसे ज़बरदस्ती कैद कर रखा है। जब मीडिया इस मामले को हाईलाइट करेगी तो खुद ही वो इमामा को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर आप पुलिस को इस मामले की इतला दें। सलार को हैरानी हुई। जलाल की तजवीज़ बुरी नहीं थी, वाकई इमामा इस बारे में क्यों नहीं सोच रही, ये रास्ता तो ज़्यादा महफूज था। मैं आपका ये मशवरा भी उसे पहुंचा दूंगा, आप दोबारा मेरे पास ना आए, बल्कि इमामा से भी ये कह दें कि वो मुझसे किसी भी तरीके या ज़रिए से दोबारा रابطہ ना करे। मेरे वालदैन वैसे भी मेरी मंगनी करने वाले हैं। जलाल ने जैसे इंकशाफ किया हो। ठीक है, मैं ये सारी बातें उस तक पहुंचा दूंगा, सलार ने लापरवाही से कहा, और जलाल मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गया। अगर इमामा को ये तवक्को थी कि सलार जलाल को उससे शादी करने के लिए कायल कर लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो इमामा से कोई हमदर्दी रखता ना ही किसी खौफ खुदा के तहत उस सारे मामले को कूदा था। उसके लिए ये सब कुछ एक एडवेंचर था, और एडवेंचर में यकीनन जलाल से इमामा की शादी शामिल नहीं थी। अगर जलाल से उसकी शादी के लिए दलाइल देने भी पड़ते तो वो क्या देता, उसके पास सिर्फ एक दलील के अलावा और कोई दलील नहीं थी कि जलाल और इमामा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और ये वो दलील थी जिसे जलाल पहले ही रद्द कर चुका था। वो मज़हबी या अखलाकी हवालों से कायल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद इन दोनों चीज़ों से नावाकिफ था। मज़हब और अखलाकियात से उसका दूर दूर से भी कोई वास्ता नहीं था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिर वो इमामा के लिए एक दूसरे आदमी से इतनी लंबी बहस करता तो क्यों, वो भी ऐसा आदमी जिसे देखते ही उसने नापसंद कर दिया था। और ये तमाम वो बातें थी जो वो इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए सोच रहा था। वो आया इसलिए था क्योंकि वो जलाल से मिलना चाहता था, और देखना चाहता था कि इमामा के पैगाम का उसका रद्दअमल क्या है। उसने इमामा का पैगाम उसी के लफ्ज़ों में किसी इजाफे या तरमीम के बगैर पहुंचा दिया, और अब वो जलाल का जवाब लेकर वापस जा रहा था, और ख़ासा महजूज़ हो रहा था। आखिर इस पैगाम के जवाब में वो क्या करेगी, क्या कहेगी, असद से शादी तो नहीं कर लेगी। जलाल उससे शादी करने पर तैयार नहीं था, घर से वो निकल नहीं सकती, कोई और ऐसा आदमी नहीं जो उसकी मदद के लिए आ सके, फिर आखिर वो क्या करेगी। आमतौर पर लड़कियां इन हालात में खुदकुशी करती हैं। ओह यस, वो यकीनन अब मुझसे रिवॉल्वर या जहर पहुंचाने की फरमाइश करेगी। सलार मतवक्का सूरत हाल के बारे में सोचकर पुरजोश हो रहा था। खुदकुशी, वेरी एक्साइटिंग।